हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक एंड IDFC लिमिटेड के बारे में। इन कंपनियों के अंदर हमें यहाँ पर जो आज धमाकेदार तेजी देखने को मिली है, उसके पीछे के प्रॉपर जो रीज़न है वो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये आगे कितने बढ़ सकते हैं। एंड IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर और एक ऐसी धमाकेदार न्यूज़ आई है जो कंपनी तरफ से अनाउंस की गई है। यानी कि देखिए, कंपनी अपने बिजनेस में इतने बदलाव लेकर आ रही है IDFC फर्स्ट बैंक, जिसके वजह से इस स्टॉक में हमें लगातार तेजी दिखाई दे रही है एंड आपको और भी कमाई करने का मौका मिलने वाला है। इसकी यहाँ पर भरोसेमंद न्यूज़ एक आई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना एंड आप यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिए। मैं तो कहता हूँ कि आप स्पीड बढ़ाकर देखना, बट अंडरस्टैंडिंग करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चले। एंड कमेंट में बताइए कुछ प्रॉब्लम इशू या आप किसी कंपनी के बारे में वीडियो चाहते हो। तो देख लेते हैं पहले आज IDFC फर्स्ट बैंक का परफॉर्मेंस। इस स्टॉक के अंदर हमें गजब की इम्प्रूवमेंट वाली तेज़ी देखने को मिली है, 4% के करीब की। एंड इस स्टॉक ने नया अपना फ्यूचर टिक हाई बना लिया है। आप देख भी सकते हैं 55.45 का इसने नया अपना फ्यूचर टिक हाई टच कर लिया। एंड कंपनी अभी ये तो स्टार्टिंग है, मैं आपको बता दूँ इससे भी बड़े हाई बनने वाले हैं। आप प्रिपेयर रहना बिल्कुल कंपनी के अंदर कमाई के लिए। उसके पीछे का सबसे पहला रीज़न मैं कंपनी तरफ से जो अनाउंस हुआ है वो बताता हूँ एंड देन यहाँ पर हम बाद में बात करेंगे IDFC लिमिटेड के बारे में। अब ये जो न्यूज़ का आर्टिकल है उसको पहले हम देख लेते हैं क्या यहाँ पर इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसका हमें इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो IDFC फर्स्ट बैंक जो भी एक्टिविटी कर रही है ना, वो इस कंपनी को बहुत बड़े बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है। तो देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक इंटरेस्ट रेट बोल तो हाइक किया है, सॉरी हाइक इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट के बारे में तो हमने सुना है, सेविंग अकाउंट के ऊपर का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। यानी कि देखिए, लोग बैंक में लाकर पैसा रखे बोलकर इनके तरफ से रिटर्न यहाँ पर लोगों को देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए अच्छे ऑफर लेकर आ रहे हैं। यानी कि इनके पास एक तो पैसा आएगा लोगों का, यानी कि इनको यूज़ करने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके बिजनेस के अंदर इनको काफ़ी अच्छी तरीके से बेनिफिट्स मिलेंगे, इसलिए कंपनी ने काफ़ी बड़े डिसीजन लिए हैं। न्यूज़ यहाँ पर आप देखिए, ऑफिशियल अनाउंस की गई है और IDFC फर्स्ट बैंक ने सेविंग के ऊपर का इंटरेस्ट 6.25 किया है। देखिए, मैक्सिमम रिटर्न रेट 6.25 ऑन सेविंग अकाउंट। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाइए, जिस कंपनी के अंदर सेविंग अकाउंट किसी का होगा उसको कितना अच्छा पैसा मिल रहा है। और सेविंग अकाउंट के अंदर तो लोग नॉर्मली पैसा रखते ही है ना, इसमें कौन सी यहाँ पर बात नॉर्मल बोल तो ऐसी नई कौन सी बात है, बोल तो पैसा रखने वाले को फ़ायदा मिलेगा। अभी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, लोग ज़्यादा पैसा रखेंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कंपनी ने जो रेट बढ़ा है वो काफ़ी अच्छे है एंड इससे बेनिफिट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस कंपनी के बिजनेस को मिलेंगे। एंड कंपनी तो ऑलरेडी जो इंटरेस्ट रेट होता है फिक्स डिपॉजिट का वो तो बढ़ा चुकी है, वो हमने बार बार देखा भी है। अभी उस पर यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बताया कि सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अभी जैसे दोस्तों, हम IDFC फर्स्ट बैंक की तो बात यहाँ पर एक न्यूज़ के अंडर किए हैं, बट अभी IDFC लिमिटेड की बात करेंगे। दोनों का भी मैं जो एक अपडेट आया है वो भी बताऊंगा। आप देखिए, 76 रुपीज़ पर ये स्टॉक ट्रेड करा है एंड 5.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली IDFC लिमिटेड के अंदर। तो अब इस कंपनी में ऐसा क्या खास हो रहा है, कंपनी का बिजनेस बढ़ने वाला है, क्यों? क्योंकि ये मेजोरिटी स्टेक रखती है अच्छा खासा इसका, तो IDFC फर्स्ट बैंक का। यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक जितनी अच्छी इंप्रूव होगी उसी के साथ इसको भी बेनिफिट मिलेंगे। आप ज़रूर IDFC फर्स्ट बैंक के रिटर्न अच्छे आएंगे तो बाद में से आप इस पर भी नज़र रखकर निवेश कर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ये बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे, आप ऑब्जर्व कीजिए, पैसा नहीं लगाए तो भी
क्या करना, IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट को देखिए और इसके बाद में IDFC लिमिटेड के रिजल्ट को देखिए, जिससे आपको पता चले। ये बहुत कुछ छोटी चीज़ें लगती हो आपको, बट बेनिफिट अच्छी देकर जाती है और ये लॉजिक है और आपको ये समझ में आएगा, आप खुद यहाँ पर समझेंगे तो। एंड लॉन्ग टर्म के जर्नी में देखिए इस कंपनी की एबिलिटी अभी भी बाकी है परफॉर्म करने की, क्योंकि ये स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। एंड ये स्टॉक देखिए ये जो लेवल है इसके ऊपर ही है, यानी कि 2016 में 68 रुपये का जो लेवल था उससे अभी ये क्रॉस ओवर है, यानी कि ऊपर है। और इसमें इतनी एबिलिटी स्ट्रांग है कि स्टॉक अभी इसको क्रॉस ओवर कर कर ये जो यहाँ पर 100 रुपीज़ है उसके करीब ये आपको जल्द जाते हुए नज़र आएगा, और उसके बाद में फिर ये नीचे आपको करेक्शन में भी देखने को मिलेगा। तो आप इस बात को अंडरस्टैंडिंग कर कर चलना। अभी न्यूज़ क्या है देखिए, आपको मैं बता देता, यहाँ पर आप दोस्तों पढ़ सकते हैं न्यूज़ के बारे में, डिटेल्स बताए गए हैं। शेयर ऑफ द IDFC ग्रुप कंपनीज IDFC एंड IDFC फर्स्ट बैंक गेन अप 5% ईच ऑन द BSE इन वेनसडे इंट्राडे ट्रेड ऑफ दिस IDFC हिट 53 हाई ऑफ ₹76.35 एज इट रैली 5% ऑन द BSE इन द पास्ट 3 months। स्टॉक ऑफ होल्डिंग कंपनी है सर्ज 45% ऑफ आफ्टर द कम। यहाँ पर देखिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ द इंडिया यहाँ पर CCI ये जो है इनके तरफ से अप्रूवल मिला है डिस इन्वेस्टमेंट का, IDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी का ये डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसका सबसे तगड़ा बेनिफिट IDFC लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक नहीं, IDFC लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है उसको मिलेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि क्यों बेनिफिट इन कंपनियों के अंदर यहाँ पर निवेशक को रिटर्न के थ्रू मिल रहे हैं, उसके पीछे के रीज़न ये है। और IDFC फर्स्ट बैंक में तो IDFC फर्स्ट बैंक के डिसीजन ही इसको पावर दे रहे हैं आगे तेज़ी कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू सो मच, आई होप एक बात क्लियर हो चुकी है कि IDFC लिमिटेड में तेज़ी डिस इन्वेस्टमेंट के वजह से एंड IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर कंपनी के इंटरेस्ट रेट बढ़ना, कंपनी के एक्शन, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के तरफ से यहाँ पर लगातार ग्रोथ के लिए अच्छे खासे डिसीजन, तो ये सभी चीज़ें सपोर्ट कर रहे हैं। आई होप आप डिटेल समझ गए दोनों कंपनियों के बारे में। थैंक यू।